हेलो गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग ट्रेसिंग ऑफ पोलार का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो देखते हैं क्या दिया आपको। यहाँ पे आर इक्वल्स टू ट्रेस द कार्डियोइड, आपको कार्डियोइड दिया हुआ है जिसका इक्वेशन क्या देखा यहाँ पे, आर इक्वल्स टू ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा है कि जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, पहले उसका आप इक्वेशन वो वन ले लो, फिर हम क्या करें, पहले अपन चेक करेंगे सिमेट्री। ओके, तो सिमेट्रिक के अगर आप देखोगे वीडियो जिसमें मैं आपको प्रोसीजर बताया था, तो सिमेट्रिक के मैंने यहाँ पे तीन पॉइंट बताया था। ठीक है, इन तीनों पॉइंट में से यहाँ पे जो आपका आने वाला है वो कौन सा आएगा, आपका पहला वाला पॉइंट आएगा। देखो आप क्या लिखा है, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन इनिशियल एंड इट इज ओ एक्स। ओके, तो यहाँ पर आप पढ़ोगे ना, देखो पहले क्या लिखा था, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन ओ एक्स इफ ओनली कॉस थीटा और सेक थीटा अकर इन इट्स इक्वेशन। तो कहाँ पे इक्वेशन क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा दिया हुआ है, साइन तो दिया नहीं यहाँ पे आपका। तो क्या होगा, ये इनिशियल एंड दैट इज ओ एक्स से क्या होगा, ये अबाउट सिमेट्री होगा। और जो क्या लिखा है, दैट इज इट इज, हाँ, इट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ व्हेन थीटा इक्वल टू इज चेंज टू माइनस थीटा। थीटा को अगर अपन माइनस थीटा में चेंज कर लेंगे तो क्या होगा, ये कोई चेंज तो आएगा नहीं यहाँ पे, इसलिए क्या होगा, ये द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल एंड दैट इज ओ एक्स। चेक कर लेते एक बार कि बी और सी में भी कुछ आ सकता है क्या। देखो बी क्या दिया है, बी में इसी को पढ़ लो आप, यहाँ से जो लिखा हुआ ना लास्ट वाला में, इसको पढ़ लो। तो क्या लिखा है, इफ थीटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस थीटा एंड आर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस आर द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड। तो थीटा को अगर आप माइनस थीटा चेंज करोगे तो कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, लेकिन माइनस को अगर सॉरी आर को अगर माइनस आर में चेंज करोगे तो अपना इक्वेशन का ऊपर चेंज हो जाएगा। इसलिए क्या है, बी वाला जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। आज थर्ड वाले पॉइंट में इसको आप यहाँ पे देख लो, इफ इट रिमेन्स अनचेंज व्हेन आर इज चेंज्ड टू माइनस आर देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द पोल। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आर को माइनस आर पे चेंज करने पे आपका इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगा, तो द कर्व इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द पोल। इसलिए यहाँ पे क्या है, आपका सिमेट्री में सिर्फ ए वाला पॉइंट ही सेटिस्फाई किया, बी और सी जो आपका सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं किया है। इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल एंड दैट इज ओ एक्स, दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। फाइन, आगे बढ़ते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट इज पोल एंड टेंजेंट। जैसे हम लोग कार्टेशियन कर्व्स में हम लोग निकालते थे ओरिजिन एंड टेंजेंट, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, पोल एंड टेंजेंट, बिकॉज पोलार कर्व में पोल क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, पोल एंड टेंजेंट में द पोल लाइज ऑन द कर्व इफ आर इक्वल्स, इफ फॉर आर इक्वल टू 0 देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब क्या है, आर इक्वल टू 0 पुट करने पे, कहाँ बताओ तो इस इक्वेशन पुट करने पे थीटा की एक वैल्यू कम से कम एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा, वो कर्व जो है आपका पोल से पास करेगा और उस पॉइंट थीटा पे क्या होगा, आपका टेंजेंट भी ड्रॉ होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे थीटा को 0 सॉरी आर को 0 पुट करने पे कहाँ बताओ, इस इक्वेशन में। ठीक है, हमको इसको सॉल्व करने पे क्या मिला, थीटा इक्वल टू 1 सॉरी कॉस थीटा इक्वल टू 1, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो आपको थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मिलने पे क्या मालूम पड़ा बताओ, कि पोल जो है आपका, है ना, कर्व जो आपका पोल से मतलब पास करेगा और जो टेंजेंट ड्रॉ होगा ठीक कहाँ पे होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, दैट इज द कर्व पासिस टू द पोल एंड थीटा इक्वल टू 0 इज द टेंजेंट। ओके, थर्ड पॉइंट जिसके बिना आपका कर्व प्लॉट हो ही नहीं पाएगा वो है पॉइंट्स। यहाँ पे हमको बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, कर्व को प्लॉट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, है ना, देखो यहाँ पे हम क्या लिखे थे, थर्ड पॉइंट, पॉइंट्स गिविंग सक्सेसिव पॉइंट्स सॉरी वैल्यूज टू थीटा, फाइंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ आर। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताया था मैं, कि अगर टेंजेंट पाई बाई फोर में कहीं आता है तो हम लोग यहाँ पे जो वैल्यूज लिखे हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हूँ, 0 थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 90 120 150, मतलब देखो सबका डिफरेंस देखो कितना 30 30 है। लेकिन मान लो अगर आपका टेंजेंट जो है पाई बाई फोर में कहीं आता है, तो यहाँ पे मुझे 45 फिर 135, है ना, मुझे वो सब भी शो करना पड़ेगा यहाँ पे। तो चूंकि यहाँ पे आपका जो टेंजेंट है वो 0 डिग्री है, पाई बाई फोर तो नहीं है, तो हम यहाँ पे देखो क्या किए, सिर्फ और सिर्फ 30 30 डिफरेंस में हम क्या किए यहाँ पे, देखो तो पॉइंट्स को यहाँ पे थीटा की वैल्यू को यहाँ प्लॉट कर दिए। अब देखो मैं क्या करूँगा, कैल्सी से सभी की वैल्यू को निकालूंगा। ठीक है, मुझे पता है कि आपको जो आर दिया, दैट इज आर इक्वल्स टू ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू को निकालेंगे और जो वैल्यू मेरे पास मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आर की वैल्यू को अपन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सबकी वैल्यू को मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको
इजी लगे, इसलिए मैं एक बार आपके सामने निकाल लेता हूँ फिर से। और को मैं देखो दबा दिया, यहाँ देखो क्या लिखा है, ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो ए को आप भूल जाओ, यहाँ पे लिखो वन माइनस कॉस थीटा। थीटा देखो यहाँ पे क्या लिखा, तुम्हारे यहाँ पे 0 डिग्री लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सब 0 लिखूंगा। ठीक है, देखो आपने क्या मिला, 0 मिला कि नहीं। ठीक है, तो 0 हो गया आपका, 0 × 2 विल बी 0। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, थीटा इक्वल्स टू 30 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे गए, इसको हटा दिए, यहाँ पे लिखो 30 लिख दिया, इक्वल टू दबा दो। देखो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये जो है ना ऐसे कॉस भी, उसको प्रेस करो, देखो विल गेट 0.13 है ना, देखो 0.13397 समथिंग कुछ आपको मिल रहा है। आप क्या करना, पॉइंट के पास से दो वैल्यू को रखो, दैट इज 0.13। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है 0.13, इसको लिख देता हूँ, थोड़ा सा हॉस्पच हो गया था है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ 0.13A। क्योंकि ये 13 क्या है, उसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है। इसको जो मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, इसलिए यहाँ पे 0.13A। आप यहाँ पे 60 डालते हैं, देखो आप क्या करो, पीछे आ जाओ, डिलीट करो, 60 लिखे, इक्वल टू दबा दो। देखो मुझे यहाँ पे क्या मिला, 1/2 मिला कि नहीं, 1/2 मतलब कितना होगा अपना, ये 0.5 होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 0.5 टाइम्स ए। ओके, फिर ना cos 90। देखो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, डिलीट करके यहाँ पे 9 दबा दो, 90 होगा। देखो अपना ये इक्वल टू प्लस को देखो, दिस इज 1। तो ओके, तो 1 × a विल बी ए। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, तब क्या करेंगे, 0 से लेकर 360 तक पूरा का वैल्यू आप निकाल दो। यहाँ पे निकालने में देखो आप क्या करोगे, देखो आप यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है, द कर्व एग्जिस्ट इन 0 to 2π। ठीक है, जो कर्व है देखो, तो अगर आपको आपको ये बात समझना है अच्छे से, कि अगर 0 से 360 लिखने पे अगर सभी की वैल्यू, अगर सभी थीटा की वैल्यू पर अगर आर आपका एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब क्या है, जो कर्व है आपको पूरा पूरा एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम 0 to 2π। ओके, ठीक है, अब ये मुझे मिल चुका है कर्व क्या है, 0 to 2π तक का जो है पूरे सभी वैल्यू पे अपने क्या मिलेगा, आर की वैल्यू मिल रही है। तो हम आखिरी में देखो क्या करने वाले हैं, ये अपने यहाँ पे कर्व को अपन प्लॉट करने वाले हैं। तो कर्व को प्लॉट करने हम क्या किए, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए, दिस इज पॉइंट ओ। ठीक है, इसको आप ओ ले लो। ओके, दिस इज इनिशियल लाइन, दैट इज थीटा इक्वल 0 डिग्री है ना, इसको हम क्या बोलते हैं ओ, इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं एक्स डैश, और इसको क्या बोलते हैं वाई डैश बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके, ये अपना हो गया पाई, ये अपना, सॉरी, ये अपना 0, ये अपना पाई हो गया, दिस इज π/2, दिस इज 3π/2, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 30-30 के डिफरेंसेस में देखो यहाँ पे निकाल रहा हूँ वैल्यू को मैं। ठीक है, 30-30 के डिफरेंसेस में निकाल रहा हूँ, तो यहाँ भी आपको वही करना है। ठीक है, 30 है 60, ये अपना 90 हो गया, ये अपना 120 हो गया, 150, ये पाई, दैट इज 180, दिस इज 210, 240, 270, 300 एंड 330, ये आपका हो गया, दिस इज ऑल्सो 360। ठीक है, एक ही मतलब है, 0 डिग्री बोला फिर 360 बोला, एक ही मतलब है। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, स्केल लेकर के मेजर करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो ये अपना क्या 0 है, तो थीटा इक्वल टू 0 पर कितना 0 हुआ कि नहीं। अच्छा, एक और चीज़ आपको ये समझना है कि देखो टेंजेंट आपको क्या दिया है, टेंजेंट दिया है 0 इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब ये जो लाइन है ना आपका ओ एक्स, ये अपना क्या टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट जो है आपको अलग से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि टेंजेंट वो लाइन होता है जहाँ से आपका कर्व जो है पास करता है। ठीक है, उसको क्रॉस नहीं करता कभी, उसको टच करके निकलेगा वो, ना कि क्रॉस करे कभी। तो देखो आपने क्या लिखा, 0 पे आपका 0 है। ठीक है, तो पॉइंट अपना कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा। ओके, अब देखो आपने क्या लिखा है, 30 पे 0.13 लिखा हुआ है। ठीक है, 30 देखो क्या लिखा, 0.13 लिखा कि नहीं यहाँ पे, तो ठीक है, उसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो 0.3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, जो कि बहुत ही छोटी सी वैल्यू है। ओके, अब देखो 60 पे देखो कहाँ पे है, 0.5, देखो 60 वाला ये वाली है अपनी, मान लो 0.5 कौन सा है आपका, ये वाला 0.5 है। ठीक है, 90 देखो क्या लिखा, ए लिखा कि नहीं, तो अगर यहाँ से लिखे यहाँ तक 0.5 है, तो इसके डबल करो यहाँ पे, है ना, इतना हुआ कि नहीं, मतलब इतना बड़ा क्या अपना ए है, तो ए कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आएगा, दिस इज हाफ है ना, तो ये अपना क्या फुल हुआ कि नहीं, समझो फिर से क्या बोलता हूँ मैं, तो ये अपना क्या होगा, 5/2 के हो गया। देखो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा, 1.5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1.5 देखो कहाँ पे, 120 में लिखा हुआ है, तो ये जितना है उसको 1.5 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से लेकर मान लो यहाँ तक का उतना ए है, और ये अपना क्या हो गया, 1.5 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, 1.86 लिखा हुआ है। ठीक है, 1.86 का उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ये अपना बड़ा हो गया। और देखो लास्ट मंथ में देखो 180 में देखो तो क्या लिखा है यहाँ पे, 2a लिखा हुआ है, तो 2a मान लो क्या है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का ए है, अगर यहाँ से ए है, तो अपना 2a कौन सा होगा, ये वाला होगा। ओके, ये अपना हो गया। अब चूंकि अपना जो है ये कर्व क्या है, सिमेट्रिक अबाउट दिस ओ एक्स लाइन है, तो जैसे ही ऊपर गया वैसे आपका नीचे भी आएगा, देख लेते कैसा बना आगे का, दिस इज 2 है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 टाइम पे क्या लिखा अपना, 1.86 लिखा, तो 2 टाइम पे देखो अपना क्या है, 1.86 आएगा, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज
समवॉट हियर ओके। फिर देखो 240, 240 का लिखा 1.5 दिखा कि नहीं, तो 1.5 कहाँ दिखाओगे आप, यहाँ पे दिखा दो मान लो ओके। फिर देखो क्या लिखा पे 270, दैट इज़ ए, ए मान लो कहाँ पे आपका यहाँ पे रखा हुआ ए ओके। फिर देखो कहाँ पे 300 में आ जाओ, 300 का कौन सा ये वाला लाइन, दैट इज़ 0.5, तो इसका आप आधा ले लो ठीक है, समवॉट हियर मान लो ठीक है ओके। उसके बाद 330 लिखा, 330 कितना छोटा सा वैल्यू लिखा, दैट इज़ 0.13 लिखा हुआ, तो उसको आप छोटा सा वैल्यू ले लो समवॉट समवेयर हियर ओके। अब करना क्या है, इन सभी पॉइंट्स को आपस में जोड़ना है ठीक है, तो इसको ऐसा उठा करके ठीक है, देखो सब बना लिया इसको ऐसा, ये अपना क्या आधा वाला पार्ट है, आधा पार्ट यहाँ से ही निकलेगा ये ठीक है। थोड़ा सा कर जो है गंदा बन गया है, सॉरी फॉर दैट, बट आई बिलीव कि आपको कॉन्सेप्ट तो मालूम पड़ चुका कि इसको ड्रॉ कैसे करना है ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।